टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रात में जब अकेले मुमरा जाने के बारे में सोचते थे तो हम कभी भी सेफ नहीं फील करते। सब लोग मतलब घरेलू लोग हैं, वो खुद को सेफ फील करें रात को घूमते हो। जब से ये मिशन चालू हुआ है बहुत सारा क्राइम रेट कम हो रहा है। क्या मुमरा शहर नशा मुक्त होगा? क्या मुमरा शहर में वर्षों से चल रहे नशे के कारोबार व नशेड़ियों के अड्डे खत्म होंगे? मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुमरा शहर एक 3 किलोमीटर में बसा शहर है। एक तरफ खाड़ी है और दूसरी तरफ पहाड़ी है। बीच में एक खूबसूरत सा शहर जिसका नाम मुमरा है। यहां आए दिन नशेड़ियों की तादाद बढ़ती देख आम जनता राहत की सांस नहीं ले पा रही थी, जिसको लेकर कई संस्थाएं पिछले कई वर्षों से काम कर रही थी, पहले पहल की थी, लेकिन थोड़े दिन ठीक रहती थी, उसके बाद फिर वही हाल, फिर वही दशा देखने को मिलता था। लेकिन अब मुमरा पुलिस ने बीड़ा उठाया है, मुमरा शहर को नशा मुक्त अभियान शुरू की है। पिछले 2 महीनों से मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चौरे व क्राइम PI शिवाले तथा डिडक्शन ब्रांच की भोरसे मैडम व उनकी टीम ने प्रयासरत हैं मुमरा शहर नशा मुक्त करने की। सबसे पहले भोरसे मैडम व उनकी टीम ने नाइट लाइफ खत्म की है, जो रात के 2 बजे से लेकर 3 बजे तक दुकानें होटलें खुले रहते थे वो अब 11-11:30 बजे तक बंद करा दिए जाते हैं। और यही वजह है कि डिडक्शन ब्रांच के भोरसे मैडम व अन्य अधिकारियों की मुमरा के NGO संस्थाएं सराहना कर रही हैं, मुमरा पुलिस की सराहना कर रही हैं। मुमरा पुलिस की कामों को देखकर मिल्लत सेवा संस्था ने PI शिवाले व भोरसे मैडम की सत्कार किया है, उनका हौसला बढ़ाने का काम किया है। इस बीच मिल्लत सेवा संघ के लोगों ने क्या कहा है, सुनिए। मुमरा पुलिस स्टेशन काफी अच्छा काम कर रही है, पर्टिकुलरली क्राइम के अगेंस्ट में और ड्रग के अगेंस्ट में, और वो रोड पे भी दिख रहा है माशाल्लाह। तो हमको लगा एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार संस्था होने के नाते, हमें भी मुमरा पुलिस स्टेशन को मिलना चाहिए और उनका हौसला अफजाई करना चाहिए। बस उसी मकसद से आए थे, उनको एक्रेशन दिया और कुछ हमने अपनी सजेशन भी दिया। तो मुझे उम्मीद है कि मुमरा पुलिस स्टेशन इसी तरीके से काम करती है कि ये अच्छे काम में अगर थोड़ी बहुत तकलीफ आती भी है तो उसको बर्दाश्त करके अपने बच्चों के लिए, अपने शहर के, अपने लोगों के फ्यूचर बचाने के लिए। ये लड़ाई पुलिस की नहीं है, ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये लड़ाई पूरे शहर की है। और शहरवासी है जो अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, इस मेरे राय है शिवाले साहब को, गोडसे मैडम को पूरा पूरा साथ देना चाहिए इसके लिए, ताकि हमारी नस्लें बचे। जो इस वक्त 15 दिन में माहौल बना है, ये सबसे बेहतरीन माहौल है कि आज हमारे बच्चे 12 बजे घर पर आते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं मुमरा का उसके रहने वाले, वो चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे नॉन पॉलिटिशियन, इस काम में जो है पूरी तरीके से साथ देना चाहिए। अपनी नस्ल को बचाने के लिए ये सबसे बेहतरीन काम है और ये बेहतरीन मौका है। और इस मौके का अगर हम फायदा उठाने से चूक गए तो शायद आने वाली नस्लें हमको कोसेगी। तो आपने सुना, संस्थाएं व जिम्मेदार नागरिक अब आगे आ रहे हैं। जिस तरह से पिछले महीनों से पुलिस की रफ्तार नशीली पदार्थ बेचने वाले व नशेड़ियों को उनके अड्डे से पकड़ना शुरू की है, आने वाले दिनों में मुमरा नशा मुक्त हो सकता है। नशा मुक्त होगा तो क्राइम का असर कम होगा। भोरसे मैडम ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये जो सब लोग आ रहे हैं, हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये हमारी और हमारी टीम का एक रिसेट है। और ऐसा अप्रिसिएशन अगर मिलेगा तो इंशाल्लाह जल्दी हम ये शहर सुधारने में मदद हो जाएगी। रही बात अपनी घर की, औरतें जो है, जो अच्छी फैमिलीज होती हैं, वो रात को कभी इतना लेट नाइट बाहर ऐसा कभी होता नहीं है, तो वो अभी बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं। इसलिए काफ़ी बुज़ुर्ग औरतें भी आके मिलके गए हैं, तो ये हमारे टीम के लिए बहुत अच्छी बात है, अप्रिसिएशन मिल रहा है। और ऐसे ही काम हम करते रहेंगे। आज तक ऐसे ज़्यादा खुल के कोई बात नहीं करते, जब अपने घर में जब ड्रग्स की वजह से जब अपना बेटा कुछ अत्याचार कर लेता है अपने माँ बाप पे, कोई खुल के बात नहीं कर रहा है, अभी करने लगे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो पहले ही कभी टोकते तो इतना बड़ा, मतलब मुमरा में गली गली में ये सब बात फैलता नहीं। तो अब ये इस चीज़ पे कंट्रोल हो रहा है। जब से हमने ये मुहिम चालू की है, बहुत सारे लोग आके मिलके गए, हमारे फैमिली में बच्चे जल्दी आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है।
लेकिन जब हम रात को रोड पे रहते हैं तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि इंटेंशन नहीं होगा लेकिन कोई किसी को चोट पहुंच सकती है मन में कि अरे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं हमें। जो भी एक रेगुलर मतलब सामान्य जनता है उसको भी कभी कभी ऐसा सवालों का जवाब हमें देना पड़ेगा कि क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो कभी इंसल्टिंग ना फील करें, हमें कोऑपरेट करें, सहायता करें, तभी हम ये जो यहाँ पे ड्रग्स का जो व्यवहार चलता है या रास्ते पे चरस गांजा खुलेआम नशा चलता था तो उसके हम रोक लगा सकते हैं। तो यही जनता से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो हमें सहायता करें। मुमरा पुलिस किस तरह से अब एक्टिव है, आप सब लोगों का भी सहयोग इस मुहिम में होना चाहिए ताकि मुमरा पुलिस उठाई हुई बीड़ा को सफल बना सके। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।